अमृतसर के पुलिस थाना विच एक महिला इंस्पैक्टर उस समय मसीहा बन गई जब किरण नाम की लाड़ी लई विआह विच दित्ता जाण वाला शगन दा समान पुलिस स्टेशन छेहाटा तो भेजा गया जिथे पंजाब पुलिस अक्सर ही अपने आलोचनात्मक कारनामें की वजह नाल विवादों विच रहिंदी है उत्थे ही अज इस महिला अफसर वल्लों लाकडाउन अते करफ्यू के दौरान एक धी दे विआह लई मसीहा बन के पंजाब पुलिस के अक्स नूं एक चंगी दिख दित्ती है उत्थे ही परिवार वाले ने इस महिला इंस्पैक्टर का दिलों धन्नवाद किया है सर मेरा नाम दलेर सिंह है अच्छा। मैं फेसबुक आई डी देखे कि मैडम ने एक गरीब लड़की का विआह किया मैनू बड़ा यानी कि वेख के खुशी हुई कि मैडम साडा साथ दे सकती है तो फिर मैं मैडम का नंबर लिया तो मैं कॉल की तो मैडम ने सानू यानी कि कहता भी तुम आ जाओ साढ़े को अं तुहाडा साथ देवांगे सर मैं ब्रदर हाँ हाँ जी सर देख लो मैडम ने तो सा बहुत ज्यादा मदद की थी इन्हें तो सानू किसी रिश्तेदार से नहीं आसू सर मैडम तो साढ़े वास्ते रब है कि जिन्होंने साडा इन्ना साथ देता नाम कुलदीप सिंह जी की लाते लड़की दे आपा ब्रदर लग जाए कितने पिंड लड़की का की नाम लड़की का लड़की का नाम किरण जी ₹2,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਥਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਟੁਕਣਾ ਵੀ ਥਾਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾਲੇ ਹੋਏ जिमीदार दो लाख रुपया बनाया जो दो साल ला के बग्गी जो पटियाले लागे दूजे पासे पुलिस इंस्पैक्टर राजविंदर कौर का कहना है कि उस नूं बेहद खुशी है कि वह एक गरीब परिवार की धी दे काम आई जो कि अपनी दुविधा लैके थाना विच पुजी सी अते उस तो जिन्ना हो सकया उसने लाड़ी नूं समान दे के उस दीआं खुशियां विच योगदान पाया। देखो जिस तरह लॉकडाउन के दौरान असीं आम लोग जिन्हां कोल राशन नहीं हुंदा राशन लैण आए रात 10:30-11 दे करीब मैनूं किसी का फोन आया तो मैनूं दस्सिया कि इस तरह असीं किसी पिंड तों बोल रहे लोको के थाने लागे साडा लोको के थाना पैंदा आ ते असीं लड़की का विआह कीता साडे बहुत गरीब परिवार आ लड़की का विआह धरिया सी पिंड लोग पिंड वालियां दे आसरे ते लेकिन पिंड वालियां किसी ने साडी बाह नहीं फड़ी तो सानूं पता लगा कि तुसीं पहलां भी एक विआह कीता आ तुसीं इस तरह गरीबां दी मदद करदे जे तो मैं कहा कि तुसीं सवेरे आए हो मैं तुहानूं जानदी नहीं तुसीं बहुत दूर दे जे मैनूं किस तरह पता लगेगा ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ਗਨ ਤੋਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਓ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਕੀ ਤੋਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ
इन्हों दे रही हाँ, बस एक दान कर रही। मैं सोचती हूँ कि इन्हों की धी परमात्मा जोड़ा वा वो घर में थपाक बख्शे, वो घर च वाधा बख्शे, अपने सहुरे घर सुखी वसे। तो जे सानू परमात्मा इतना समर्था बख्शता रहे असं दान करते रहिए। लगता भी मैं पिछले एक लोड़वंती का विह किया, बड़े लोगों ने सीसा दी, बहुत लोगों ने तकलीफ की पंजाब पुलिस की, एक नवा जरा लोगों सामने आए और फिर तुम एक बार फिर लोड़वंती का शगन जरा परिवार सहुरे दे रहे हो बर गए जाओ। देखो पहला ना मैंने मैरिज बारे नहीं कहा, इन्होंने कहा कि इस तरह करके हूँ इन्हों कल कहता कि कल मैरिज भी उ जोड़े साढ़े इतने कलगीधर गुरद्वारा ही जी पांच बंदे लैके आने तो लड़की लैके आने इतों ही असी इंदी जी चाह पानी जिन्हें जो कि सरूगा असी वो करा। देखो बड़ी खुश किस्मत है असी, मैं पहला भी कहा कि सानू परमात्मा ने अजिहा करन दा मौका दिता आ। तो चलो ये गरीबी जी बड़ी बड़ा वड्डा कोड हैगा मैं समझती हाँ, तो परमात्मा की लेकिन देन आ, ये किसी के वस का रोग नहीं है। असं फिर भी कहने कि इन गरीबी नहीं लोड़वंद सके, आप कह सकते ना हिम्मत की मंग लिया अज काम सर गया, हिम्मत ना करते तो शायद इन वास्ते अज कोई दिन होर तरह का हों। लड़की का रिश्ता कहें साड़ी प्रॉब्लम आ जानी सी, तो मैं इन्हों कहा तुम आओ, मैं बस जिन्हें जोगी सेवा करन जोगी सी जिन्ना मैनू परमात्मा ने बनाया। तो मैं लोगों को यह गल करा कि पुलिस माड़ी नहीं है, मैं पहला भी यह गल कहनी हाँ पुलिस बिल्कुल वधिया है, पुलिस हर एक बंदे दे काम आती है, चंगे माड़े दे काम आती है। और साढ़े कोलों जिन्ना सहायता लैनी है लोग भी सुधरन, लोग भी अपने आप को अंधविश्वासी ना बनाउण के बिना, मतलब पुलिस माड़ी है, पुलिस जिते चंगी है उत्थे चंगी भी है, जिहड़े लोग माड़े ने माड़े नाल सानू माड़े भी होना पैंदा है, चंगे नाल असीं बहुत चंगे हां। जिथे मैडम की पिंड वाले ने हां कीती सी असीं लोड़वंती जिहड़ा विआह करांगे ते ऐन मौके तक मुकर के जे पंजाब पुलिस जां तुसीं ना मत करदे ते की इहना जिहड़ा रिश्ता सी मुड़ जाणा सी, की हालात बणने सी। देखो बहुत माड़े हालात हुंदे, मैं कहिंदी किसे दी धी दा रिश्ता छुट्टणा इस तों वड्डे उहदे वास्ते कोई लानत वाली गल नहीं हुंदी, पर परमात्मा बांह फड़दा आ। असीं भी रब दे बंदे हाँ, परमात्मा ने ही लवशीला बनाया, इन्हां नूं किस तरह पता लग्या किस तरह होया, तो मैं तो परमात्मा कड़ी अरदास करांगी कि परमात्मा जे साढ़े हाथ तो तू यह सगन धराया, लड़की वसदी रसती रहे, अपने घर च हमेशा खुश रहे, उन्हूं किसी गल की कभी कमी ना हो, कभी महसूस ना हो कि मैनू इस तरह जरा मेरे माँ बाप नूं आ जिहड़े दिन वेखने पए सी, ये वधिया दिन ने, कोई माड़े दिन नहीं है। की लगता मैडम तुसीं दूसरी जिहड़ी धी दा कन्यादान कीता वा कह सकदे आ ते गांव वी थप्पड़ नूं वेख के जे होर वी जिहड़े धीआं दे लोड़वंद आउणगे ते उहनां दा विकास तां करोगे? देखो मैं अज तो पहला, मैं पांच लड़कियां पहला भी विआह चुकी हाँ, मैं जदों भी मेरे घर च कोई जां सर्वेंट रहिंदी सी, जदों 18 साल तो उपर 19 साल तो उपर मैं लड़की रखती सी, मैनू जदों पता लगता सी किसी की मैरिज करन वाली, मैं आप मैरिज करती सी। तो मैं सोचती हाँ कि इतों वड्डा कोई दान नहीं है, परमात्मा ने सानू इस काबिल बनाया आ, असीं होर की कर सकते हैं, असीं यह कर सकते हैं, तो साढ़े कोलों जो हो सकता वो करते हैं। देखो बड़े संगी साथी रल जाते हैं जदों असीं किसी चंगे काम वास्ते तुरते हैं, तो बहुत लोग संस्था जिहड़ियां साडियां साथ दिंदियां ने। तो मैं तो बस मेरे को कुदरती आ गए, मैं आके देखिया, मैं तो वैसे बुलाया सी भी शायद जे इन्हां लोड़वंद होएगी तो आ जाएंगे, पर वो आ गए, उहदी लड़की की मदर ही आई, तो मैं खाली मोड़ना नहीं चाहिया कि जे परमात्मा ने साडे कोल भेजिया इहनूं ते चंगा करके। पर मैडम की लगता पहल कदमी है थाणा जिथे लोकां दे रिपोर्टां दर्ज कीतीआं जांदीआं थाणे पहली वारी है किसी धी दा सगा जिहड़ा वो तोरिया जा रहा और ये भी तुहानूं पता है कि पहली बार है कि कोई थाने च मंगण वास्ते आया कि साडे घर कुछ नहीं हैगा, सानू पिंड वासियां ने जिहड़े अपने आप नूं बड़े तगड़े चौधरी समझदे होणगे उन्होंने जवाब दिता। तो पुलिस जिहड़ी हमेशा हर लोगों की माड़ी मदद वास्ते तैयार आ, तो ये भी मदद एक कर रहे हैं असीं, पुलिस का एक मैं कहनी चंगा कदम आ, तो पुलिस नूं लोगों नूं सन्मान भी देना चाहिए इस चीज़ का कि जो लोग चंगे काम करते हैं पुलिस चंगा काम करती है, जे लोगों लोग इन गलतियां करते पुलिस को कितने गलती होती भी नज़रअंदाज करना चाहिए है, जो चंगे काम उन्होंने अगे लियाना चाहिए। अमृतसर तो धर्मवीर गिल की रिपोर्ट एवन पंजाबी। मैं अपने ये मोढ़िया से गोडिया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस तरह इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है, फ्री रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फ्री रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जोड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू
फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैंने बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।